उज्जैन के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज उज्जैन में होने वाले यादव समाज के परिचय सम्मेलन में शामिल होने और साथ ही मोनी बाबा के आश्रम में मोनी बाबा की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के लिए उज्जैन पहुंचे थे। इस मौके पर सर्किट हाउस में उन्होंने आमजन की शिकायतें भी सुनी, जिसमें उज्जैन की बड़ी कॉलोनी में शुमार पार्श्वनाथ सिटी का एक मामला भी सामने आया, जिसमें कॉलोनाइजर पर रहवासियों के साथ फ्रॉड कर झूठा प्रमाण पत्र दिखाकर प्लाट और मकान बेचे। इसको भी गंभीरता से लेते हुए वर्मा ने कलेक्टर को जांच के आदेश देकर जल्द से जल्द कॉलोनी वासियों की कॉलोनियों का विकसित का प्रमाण पत्र देने की बात कही। इधर मीडिया से चर्चा करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने सागर में बच्ची की मौत के मामले में बताया कि बात मुख्यमंत्री तक पहुंची है और ऐसे लोग जो आम लोगों के साथ व्यवहार अच्छे से नहीं करते हैं और बच्ची की मौत के दोषी हैं, उन्हें जरूर दंडित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम भारती न्यूज। मैं तो अब चूंकि प्रभारी मंत्री हूं उज्जैन का और आज बसंत पंचमी का दिन है, इस पवित्र दिन धार्मिक नगरी को प्रणाम करने आना चाहिए। तो कई कार्यक्रम है बड़नगर से लेकर तराना इधर उधर, तो और इस बीच चूंकि जनता की तमाम समस्याएं होती हैं उनसे भी रूबरू मैं होता हूं और मेरी कोशिश होती है कि अधिकारियों को वहीं पे मैं निर्देश दे के उनके कामों को कराऊं। आज भी तमाम आवेदन मिले हैं। पार्श्वनाथ कॉलोनी के लोग बड़े दुखी थे क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, कॉलोनाइजर ने बिना पूर्ण विकसित किए कंप्लीटिशन सर्टिफिकेट नगर निगम से ले लिया है, उनकी बिजली बंद हो गई, पानी बंद हो गया। हमने कमिश्नर और कलेक्टर साहब को निर्देशित किया है कि ये तत्काल इस फाइल को निकला के जो दोषी हैं जिन्होंने बिना पूर्ण विकास हुए विकसित का सर्टिफिकेट देते ऐसे लोगों को दंडित किया जाए, ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं जो हल करते हैं स्थान पर। सागर संभाग के बुंदेलखंड शहर में एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक जो बच्ची को ले जाया गया था जो झुलस गई थी पूरी तरह, उससे उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए के इलाज के लिए नाम से मांगे गए थे। बेचारी जो बच्ची है आप 1 करोड़ रुपए दे दो, वेंटिलेटर ला के आपकी बच्ची का इलाज कर देंगे, उस बच्ची की मौत हो गई डॉक्टरों की लापरवाही के कारण। तो आप क्या समझते हैं? ये बात माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के संज्ञान में आ गई है और अति शीघ्र ऐसे लोग दंडित किए जाएंगे जो दोषी हैं इस तरह के प्रकरण में और जिनकी भाषा अभद्र है, जो लोगों की मदद करने के बजाय उनको और उनके मन को आंदोलित करते हैं। ये सारी बातें संज्ञान में आ गई हैं, बहुत जल्दी वो लोग दंडित किए जाएंगे। भाई साहब, ये एक कृषि जो ऋण था किसानों का खाद बीज का, और आपने एक रिव्यू के निर्देश दिए थे कि इसमें रिव्यू कर लें, काफी भ्रष्टाचार था, तो अभी क्या स्थिति जानी है आपने? नहीं, रिव्यू करने का नहीं कहा था, मैंने कहा तत्काल इसकी पूरी जांच करवा के जो सोसाइटियां डिफाल्टर हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिनके सचिवों ने, जिनके पदाधिकारियों ने, मैंने कई लोगों पर FIR दर्ज होना चालू हो गई जहाँ भ्रष्टाचार हुआ, तो रिव्यू की जरूरत नहीं थी। ये तो बिल्कुल कांच की तरह था, जिन सोसाइटियों में गड़बड़ हुई है उनके खिलाफ FIR होना चालू हो गया। मंत्री जी, आप नहीं, मेरी चर्चा हुई है महेश परमार से, हम उसकी तारीखें दिखवा रहे हैं जी। यदि आचार संहिता के बाद यदि टेंडर निकले हैं जी, तो निश्चित रूप से वो अपराध है ना, उसका आचार संहिता का उल्लंघन है और ये कभी भी कोई हम लोग बर्दाश्त नहीं। ये मेरा ख्याल है कि कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब और हमारे SP इस मामले को देख रहे हैं और ये व्यवस्था 1 सप्ताह में चुस्त दुरुस्त हो जाएगी कि कोई भी उसका बेजा लाभ ना उठा सके और एक विधि जो ईमानदारी वाली विधि है दर्शन की वो लागू हो और 1 सप्ताह में इसका सारा परीक्षण होके एक नई व्यवस्था लागू हो जाए। देखिए, ये सरकार बनी ही 1.5-2 महीने हुए हैं, हम यदि तत्काल कुछ करते हैं तो जनता में ये मैसेज जाएगा कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, हम भाजपा से बदला लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह श्री नरेंद्र मोदी जगह जगह CBI के छापे पड़वा रहे हैं, जगह जगह तमाम बड़ी संस्थाओं के छापे पड़वा रहे हैं, चिदंबरम के बेटे को बुला लिया जाता है पूछताछ के लिए, अमित शाह के बेटे को नहीं बुलाया जाता, एक जो छवि भाजपा की खराब हो रही है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग
हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती। माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र व्यापम पे भी है, रेत घोटाले पे भी है, ई टेंडरिंग के घोटाले पे भी है और सेहत के घोटाले पे भी है। बहुत जल्दी इन पर समुचित कार्रवाई सही समय आने पर की जाएगी। यदि ये भी हम करते हैं, लोकसभा का चुनाव भी सामने, कई चुनाव है, जनता के मन पे विपरीत प्रभाव भी नहीं जाना चाहिए और दोषी अधिकारी को दंड भी मिलना चाहिए।